आईपीएल 2024 के 52 मुकाबले कंप्लीट होने के बाद क्वालिफाई का समीकरण हुआ तय। प्लेऑफ की चार टीमें हुई पूरी तरह से तैयार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के 52वें महामुकाबले के बाद प्लेऑफ का समीकरण तय हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस महामुकाबले के बाद वो कौन सी चार टीमें हैं जो पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। इसके साथ ही कौन सी दमदार टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मिलेगा, कितनी विनिंग परसेंट के साथ ये टीमें अब प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती है, इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आपकी चार फेवरेट टीमों के बीच क्वालिफाई का मुकाबला देखने को मिले और प्लेऑफ में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ये टीमें अपनी जगह बनाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स टेबल के पूरे हाल के बारे में। तो फिलहाल आखिरी पायदान से हम बात करें तो आखिरी पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल के 11 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 6 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -0.356 के साथ इस टीम ने नंबर 10 पर जगह बना रखी है। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास अब यहां से 3 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर यह टीम अपने तीनों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत पाती है, फिर भी यह टीम अब प्लेऑफ के समीकरण से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के यहां से 1% भी चांस नहीं बनते हैं कि इस बार यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। तो वहीं पर नंबर 9 पर गुजरात टाइटन्स की टीम मौजूद है, जहाँ पर गुजरात टाइटन्स की टीम ने आईपीएल के 11 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -1.231 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 9 पर जगह बना रखी है। यानी कि गुजरात टाइटन्स की टीम के पास भी अब यहां से बचे हुए हैं 3 मुकाबले। अगर ये टीम तीनों मुकाबलों को जीत भी जाती है, फिर भी प्लेऑफ के समीकरण से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। यानी कि गुजरात टाइटन्स की टीम के भी अब यहां से नए के बराबर चांस बनते हैं कि यह टीम अब प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। तो वहीं पर नंबर 8 पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जहां पर आरसीबी की टीम ने आईपीएल के 11 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -0.351 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 8 पर जगह बना रखी है। यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के पास भी अब यहां से 3 मुकाबले बचे हुए हैं, लेकिन यह टीम भी अब प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना सकती है, क्योंकि टॉप 4 टीमों के खिलाफ दमदार परफॉर्मेंस अगर यह टीम करती है और टॉप 4 टीमें कमाल नहीं करती है, तो यह टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। वैसे तो आरसीबी की टीम के भी यहाँ से मात्र 1% चांस है कि यह टीम इस बार क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो वहीं पर नंबर 7 पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने भी आईपीएल के 10 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -0.062 के साथ इस टीम ने नंबर 7 पर जगह बना रखी है। यानी कि पंजाब किंग्स की टीम के पास भी अब 4 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम चारों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीती है और टॉप 4 टीमें कमाल नहीं कर पाती, तो यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना सकती है। वैसे तो पंजाब किंग्स की टीम के भी यहां से मात्र 10% ही इस बार चांस बनते हैं कि यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। तो वहीं पर नंबर 6 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल के 11 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 10 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -0.442 के साथ इस टीम ने नंबर 6 पर जगह बना रखी है। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास अब आईपीएल के 3 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर तीनों मुकाबलों को यह टीम दमदार तरीके से जीती है, तो प्लेऑफ में अभी भी अपनी जगह पक्की कर सकती है। वैसे तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के भी यहां से मात्र 20% चांस बचते हैं कि यह टीम अब प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी यहां से लगभग बाहर ही होती हुई दिखेगी। तो वहीं पर नंबर 5 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आईपीएल के 10 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 10 पॉइंट मौजूद है।
नेट 100 माइन प्लस 0.627 के साथ इस टीम ने नंबर 5 पर जगह बना रखी है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास अब आईपीएल के 4 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम चारों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत पाती है तो प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। अगर यहां से चेन्नई की टीम अपना एक भी मुकाबला गंवाती है तो फिर प्लेऑफ की राह इस टीम के लिए कठिन होती हुई दिखेगी। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के यहाँ से अब 30% इस बार चांस बनेंगे कि यह टीम टॉप 4 में शामिल होते हुए क्वालिफाई का मुकाबला खेलने पहुँचेगी। तो यहीं पर टॉप 4 टीमों की हम बात करें तो नंबर 4 पर हैदराबाद की टीम मौजूद है, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के 10 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 12 पॉइंट मौजूद है। नेट 100 प्लस 0.072 के साथ इस टीम ने नंबर 4 पर जगह बना रखी है। यानी कि हैदराबाद की टीम के पास यहां से 4 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर यह टीम चारों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत पाती है तो यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी कि यहां पर हैदराबाद की टीम के यहां से 50% इस बार चांस बनते हैं कि यह टीम टॉप 4 में शामिल रहते हुए क्वालिफाई का मुकाबला खेलने पहुँचेगी। वहीं पर नंबर 3 पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है, जहाँ पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने आईपीएल के 10 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 12 पॉइंट मौजूद है। नेट 100 प्लस 0.094 के साथ इस टीम ने नंबर 3 पर जगह बना रखी है। यानी कि लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के पास भी अब 4 मुकाबले बचे हुए हैं। चारों मुकाबलों को यह टीम दमदार तरीके से जीत पाती है तो यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना लेगी। यानी कि लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के भी यहां से 50% चांस बनते हैं कि अब यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। तो यहीं पर टॉप 2 टीमों की बात करें तो नंबर 2 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल के 10 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 14 पॉइंट मौजूद है। नेट 100 प्लस 1.098 के साथ इस टीम ने नंबर 2 पर जगह बना रखी है। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास भी यहां से 4 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर यह टीम 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत पाती है तो यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी कि यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के इस बार 90% चांस बनते हैं कि अब यह टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाए रख पाएगी। तो वहीं पर नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल के 10 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 16 पॉइंट मौजूद है। नेट 100 प्लस 0.622 के साथ इस टीम ने नंबर 1 पर जगह बना रखी है। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास भी अब यहां से 4 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर यह टीम अपने 2 मुकाबलों को गवा भी देती है तो यह टीम फिर भी अपनी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के यहां से 100% चांस बनते हैं कि यह टीम प्लेऑफ में अब अपनी जगह पक्की कर पाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार राजस्थान कोलकाता तो पहले से ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन लखनऊ हैदराबाद चेन्नई में से कौन सी टीमें रहेगी जो इस बार प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।